हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बड़ी ही लजीज, बहुत ही शानदार और बढ़िया रेसिपी लेके आई हूं, जो कि है फ्रेंड्स मशहूर मुरादाबादी दम बिरयानी। तो ये देखिए, उसके लिए हमने ले लिया है 2 किलो चिकन, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है फ्रेंड्स। और उधर हमने पानी उबलना रख दिया है पतीले में। 2 लीटर पानी फ्रेंड्स हमने ले लिया है। और इसके अंदर देखिए जैसे अखनी चढ़ाते हैं हम लोग, ये मैं आपको दिखा नहीं पाई। सौंफ, धनिया और एक गुली लहसुन की, और एक प्याज को कट करके 4-5 टुकड़ों में हमने, और नमक, इसको ऐड करके उबाल लगा लिया है पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, और इस अब ये पानी अच्छे से खोल गया है। लहसुन का, प्याज का, सौंफ, धनिया का, सबका अरोमा अच्छे से पानी के अंदर आ चुका है। तो क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए फ्रेंड्स हम पहले पानी को बॉयल कर लेते हैं और अब चिकन को ऐड कर देंगे पानी बॉयल होने के बाद। और फ्रेंड्स इसमें आप साबुत खड़ी मिर्ची भी ज़रूर ऐड करिएगा, हम भूल गए थे तो थोड़ा हमने देर से ऐड की, आप इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हम कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि मैं गई हुई हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। हम गए हुए थे फ्रेंड्स शॉपिंग पे, तो हमें वहाँ देर हो गई थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स अपनी सिस्टर के घर ही चली गई थी। उसका घर पास में था, तो उसने फिर कहा कि साथ में ही पहले बिरयानी बना के खा के और फिर आप जाना। तो हमने अपने भाई को बुला लिया था, क्योंकि वो बिरयानी का बहुत शौकीन है। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने प्याज को कट कर लिया है, 4 बड़े साइज़ की प्याज है जो कि हमने कट कर लिया है फ्रेंड। 2 किलो चिकन है और 1.5 किलो राइस है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरी मिर्चें हैं, कुछ तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम रफली कट कर लेंगे, थोड़े 1-1 इंच के टुकड़ों में। और ये फ्रेंड देखिए, टमाटर हैं, 2 छोटे साइज़ के टमाटर, मीडियम साइज़ के, इनको कट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, कुछ गर्म मसाला है खड़ा, जिसमें कि 1.5 चम्मच जीरा है, लौंग है 7-8 लौंग है, 8-10 काली मिर्ची हैं फ्रेंड्स, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3। तो फ्रेंड ये जो सामान है, ये 2 कुकर में बिरयानी हम बना रहे हैं। और ये बड़ी इलायची भी है फ्रेंड्स, 1 चक्री फूल है। तो फ्रेंड देखिए, ये सब चीज़ें हमने तैयार करके रख ली है। और ये कुकर में हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर बना रही हैं, जो कि बहुत बढ़िया बिरयानी बनाती है मुरादाबादी। और ये तेज़पात के पत्ते ले लिए हमने 2-3, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ये वाली बिरयानी भी मैं आपको दूं। वैसे मैंने अपने चैनल पे आपको काफ़ी सारी बिरयानी की वीडियो दे रखी है, अपलोड है मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। फिर देखिए, अखनी में से जो ये लहसुन और प्याज निकला है, इसको भी ये क्रश कर रही हैं हाथों से। हम ज़्यादातर फेंक देते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये इसको भी यूज़ करती हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिरयानी में। और फ्रेंड्स ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल भी फ्रेंड जो बासमती राइस होता है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए, ऑयल गर्म होने के बाद हम प्याज को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे, जैसे कि हम कोरमे वगैरह के लिए निकालते हैं, इसी तरीके से प्याज। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर ऐड की हैं ये साबुत मिर्चें, फिर भी ये सॉफ्ट हो गई थी, पानी काफ़ी गर्म था और एक बॉयल और लगाया था हमने। ये देखिए फ्रेंड, प्याज को निकाल लेंगे, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है फ्रेंड्स। प्याज जब भी आप निकालें, जैसे हम कम क्वांटिटी में बनाते हैं, तो आप बर्तन को थोड़ा आड़ा कर लें और उसके बाद प्याज सारी ऊपर आ जाएगी, आराम से बाहर निकल आती हैं। तो फ्रेंड, और अगर हम फैला के ऐसी थोड़ा सा ऑयल रहता है, थोड़ी सी प्याज रहती है, उसको हम प्याज को निकालें, तो फिर वो मछली जैसे पानी में मछली पकड़ते हैं वाला हिसाब हो जाता है, काफ़ी देर लग जाती है। तो फ्रेंड देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम ये जो गर्म मसाला है साबुत, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा तड़काएंगे हम इस गरम मसाले को, जलाएंगे बिल्कुल नहीं, धीमी वो जो स्लो है, हमारी जो फ्लेम है स्लो है। अब इसके अंदर फ्रेंड देखिए, टमाटर और हरी मिर्ची, इसको ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, भूनेंगे इसको 1 मिनट के लिए। उसके बाद ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड। जो लहसुन अदरक की क्वान्टिटी मैंने आपको साबुत शुरू में दिखाई थी, ये देखिए। और ये जो हमने अखनी में से निकाला, आधा रोक लिया, आधा डाल दिया हमने दूसरे कुकर के लिए बचा लिया। और वो जो लहसुन अदरक की फ्रेंड, एक बड़ा साइज़ का अदरक था और 3 गुली लहसुन की थी, दोनों कुकरों में हमने लिया था वो लहसुन अदरक हाफ हाफ। और ये देखिए फ्रेंड, 150 ग्राम दही है, जिसको हमने हाफ हाफ कर लिया है, क्योंकि अलग अलग कुकर में डलेगी फ्रेंड्स। हम जल्दी की वजह से कुकर में बना रहे हैं कि फटाफट बन जाए, क्योंकि देर हो रही थी, हम थके हुए बहुत थे शॉपिंग करके, तो इस वजह से हमने फटाफट 2 कुकरों में बिरयानी बना ली। लेकिन इसका हम बाद में आपको बताएंगे कि एक जगह करके हमने इसको कैसे खिला खिला बनाया। ये देखिए फ्रेंड, इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, जो कि हमने 15 मिनट भिगो लिया है, बासमती राइस। आप चाहें तो फ्रेंड गोल्डन चावल से बना सकते हैं, लेकिन ये बासमती राइस में ही मुरादाबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। ये देखिए, अखनी का पानी हमने हाफ ऑफ कर लिया था,
उसके उसमें और थोड़ा सा सादा पानी भी मिक्स कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। हमने तो जो हाफ हाफ चावल करके उंगली से नापा कर लिया है, तो बीच में जो एक उंगली की सबसे ये जो फर्स्ट अंगूठे के साइड वाली उंगली होती है फ्रेंड, इसका हम नापा करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है। तो बीच की जो लाइन होती है, एक उंगली में तीन लाइन होती है, बीच वाली लाइन तक आप पानी को छोड़ दें, चावल के ऊपर से नाप लें, बिल्कुल परफेक्ट पानी उतरता है फ्रेंड्स। या फिर आप गिलास का माप कर लें, आप किसी भी बर्तन का माप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये जो है मिर्च का अचार जो कि हम बिरयानी में डालते हैं, इसको ऐड करके और मिक्स करके फ्रेंड देखिए दो सीटी हमने लगा ली है और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। दो सीटी लगाने के बाद गैस को हमने ऑफ कर दिया। इधर हम दूसरे कुकर में भी अपनी बिरयानी की छोंकने की तैयारी कर रहे हैं। इधर ये देखिए फ्रेंड, इस कुकर की बिरयानी को हम, ये देखिए थोड़ी बहुत जो गैस रह गई है, कितनी बढ़िया परफेक्ट मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है फ्रेंड। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पतीले में, बड़े खुले मुंह के पतीले में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दोनों कुकर की। फिलहाल हमने हमारी एक कुकर की तैयार हुई, तो हमने एक कुकर की निकाल ली, उसके बाद दूसरी भी पलट देंगे। और फ्रेंड देखिए ऑरेंज रेड फूड कलर जो कि जर्दे का रंग होता है, इसको घोल के रख लिया है, थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, एक पैन में हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ दो चम्मच ऑयल है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ऑयल तो हमने उसमें ठीक ठाक डाला है बिरयानी में। तो ये देखिए जो चिकन है अखनी में से हमने निकाल लिया था, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके अंदर सेकेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर आए। और इसके ऊपर फ्रेंड देखिए चाट मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर तीखी बिरयानी खाना पसंद करते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से चाट मसाला हमने स्प्रिंकल कर दिया है। तो नमक आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिरयानी में भी नमक हमने ऐड किया हुआ है, चाट मसाले में भी चटक नमक होता है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड देखिए, इसको ऐसे टॉस कर करके हम मिक्सअप कर लेंगे। और ये लेयर लगा दी हमने चावलों के ऊपर, ये गोश्त की, चिकन की, और थोड़ा सा बचा लिया दूसरे कुकर के लिए। तो फ्रेंड देखिए, और अब इसको ऊपर हम जो हमने ब्राउन प्याज करके निकाली थी, इसको ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पहले चावल और उसको। फ्रेंड ये पतीले में निकालने का रीज़न ये है कि हम अगर चावलों को कुकर में ही छोड़ देंगे तो वो थोड़े से ना नीचे से लड्डू से बन जाते हैं, हमारे यहाँ ढिप कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके यहाँ कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ढिप से बन जाते हैं वो लड्डू टाइप के, तो इस वजह से हमने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इससे चावल लड्डू की तरह नहीं बनेंगे, आपस में नहीं बंधेंगे और खिले खिले रहेंगे। तो फ्रेंड स्पेशल बिरयानी के लिए बनाते हैं स्पेशल सी चटनी। ये ले लिए हमने एक चम्मच सौंफ, डेढ़ चम्मच सौंफ, डेढ़ चम्मच जीरा, और फ्रेंड साबुत लाल मिर्ची ले लिए 8-10, तीन बड़े साइज़ के टमाटर और एक गुली लहसुन की ले ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसकी हम ये स्पेशल चटनी तैयार करेंगे। ये चटनी हम फ्रेंड्स थोड़ी ज़्यादा ही बना रहे हैं क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है वाली चटनी। इसको पीस लेंगे और फ्रेंड फिर से हम इसको आपको गार्निश करके दिखाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए चटनी फर्स्ट क्लास बढ़िया सी हमारी बन के तैयार है, और हम आपको बिरयानी भी सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए खिले खिले चावल, खुशबूदार बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, और ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बना के इंजॉय करिए। आप खाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। तो फ्रेंड ये देखिए बढ़िया सी बिरयानी गर्मा गर्म हमने सर्व कर दी है, और ये चटनी भी रख दी है हमने साथ में। चटनी देखिए हमने कितनी ढेर सारी रखी है, क्योंकि सब ज़्यादा ज़्यादा चटनी खाते हैं, मज़ेदार बहुत अच्छी चटनी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए मैं आपको लेकर भी दिखाती हूँ अपने हाथ में, ये पहला जो बाइट मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा चिकन तोड़ूंगी, चटनी मैंने डाल दी है चावलों के ऊपर, और ये पहला निवाला फ्रेंड्स आपके लिए। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली बढ़िया सी रेसिपी में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।